आपकी जानकारी के लिए बता दें, कस्बा खेरागढ़ से अपनी बहन से दीपावली की डोज का टीका करवाकर लौट रहे थाना मलपुरा के गांव इटावरा के निवासी पत्थर मजदूर जितेंद्र पुत्र रूप सिंह बघेल की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। जितेंद्र मूल रूप से मलपुरा के टोरा का निवासी था और वह अपनी बहन मंजू के यहाँ से टीका करवाकर वापस लौट रहा था, तभी जारुआ कटरा विवेकानंद कॉलेज के समीप ट्रैक्टर की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। पूरा मामला थाना मलपुरा का है। आगरा ग्वालियर रोड निवासी गांव इटौरा जितेंद्र पुत्र रूप सिंह अपनी बहन मंजू खेरागढ़ के फजीहत के पुरा से दीपावली की डोज का टीका करवाकर वापस लौट रहा था, तभी मलपुरा के गांव जारुआ कटरा के विवेकानंद इंटर कॉलेज के समीप स्वराज ट्रैक्टर ने जितेंद्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। थाना मलपुरा पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक जितेंद्र के परिवारजनों ने बताया कि जितेंद्र खेरागढ़ के फजीयत के पुरा से अपनी बहन के यहाँ से टीका करवाकर वापस लौट रहा था, तभी ट्रैक्टर ने चपेट में ले लिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जितेंद्र पत्थर मजदूरी का कार्य करता था और अभी 2 वर्ष पूर्व उसके माता पिता का भी बीमारी के कारण देहांत हो गया था। जितेंद्र अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। जितेंद्र की मौत की सूचना पाकर उसके परिवार में कोहराम मच गया। सभी परिवारजन घटना स्थल पर पहुंच गए। एसओ मलपुरा तेजवीर सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हुई है। युवक मूल रूप से इटौरा का निवासी जितेंद्र बघेल पत्थर मजदूरी का कार्य करता था। सब को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर घटना की पूरी जानकारी करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मलपुरा से ऐसा लाइव न्यूज के लिए संजय प्रजापति की रिपोर्ट। मेरा नाम मलखान बघेल है, मैं टोरा का निवासी हूँ। लड़के की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है, कहाँ का लड़का था, कहाँ से आ रहा था? टोरा का रहने वाला था, ये अपनी बहन के यहाँ से डोज का टीका करवा के आ रहा था। एक ट्रैक्टर वाले ने इसमें टक्कर मारी है। अच्छा। ट्रैक्टर भी मौजूद में है यहाँ पे और लड़का ऑन स्पॉट खत्म हो गया। कितनी उम्र होगी लड़के की? 20 साल की उम्र थी। पत्थर का काम करता था, पत्थर का। इसके माँ बाप अभी करीब 2 साल में दोनों ही खत्म हो गए। 2-3 साल के भीतर ही भीतर पूरे जिम्मेदार लड़का था। एक बहन है अभी घर में, 2 बहन की शादी की है, 2 भाई हैं, शादी किसी की हुई नहीं है। पूरे घर का पालन पोषण यही लड़का करता था। मतलब पुलिस मौके पर पहुंची, क्या हुआ? घटना की जानकारी कैसे हुई आपको? हमें तो गांव में कटरा से अपने जान पहचान वाले लोग हैं, किसी ने जाके गांव में बताई है कि बघेलों में किसी लड़का का एक्सीडेंट हो गया। जब जानकारी हुई है, जब हम लोग वहाँ से आए, ट्रैक्टर पकड़ा गया है। ट्रैक्टर किसका था? ईट गिट्टी डस्ट किसका ट्रैक्टर? अभी ये कोई कंफर्म नहीं है किसका ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर में ट्रॉली लगी हुई है। ट्रैक्टर आगे जो पंडित जी का स्कूल है स्वामी विवेकानंद, इससे आगे खड़ा हुआ है। ठीक। पुलिस वालों से बात हुई है कि उस ट्रैक्टर को वो थाने लेके जा रहे हैं। ठीक। क्या नाम है आपका? जितेंद्र के आप कौन लगते हैं? जितेंद्र के चाचा लगते हैं। जितेंद्र कहाँ से आ रहा था? सड़क हादसा हुआ है जितेंद्र के साथ, उसकी मौत हो गई है, कैसे जानकारी हुई है? वो अपनी बहन के यहाँ से टीकाकरण फजीतपुरा से आ रहा था, इसका कारण वाले रोड से इधर होके। अच्छा। तो इधर कटरा पार करते ही कोने पे इधर से ट्रैक्टर आ रहा था नहर की तरफ से, और वो इधर कटरा की तरफ से आ रहा था। ट्रैक्टर का कुछ अंदाज लगा, जैसे ईंट भरी हो, गिट्टी हो, अवैध खनन वाला हो? वो यहाँ के लोग बता रहे थे कि वो करप खरब हो रहा था। अच्छा। जितेंद्र की उम्र कितनी रही होगी? कहाँ का निवासी थे जितेंद्र? जितेंद्र है इटौरा का निवासी, नगरा बेरीसाल का। जितेंद्र की उम्र है 20 और 22 के बीच। क्या शादी हो गई थी? शादी नहीं हुई है सर। ठीक।